क्या बताया गया है, क्या काम करना है, किस काम के लिए? चीतों की सुरक्षा करनी है। चीतों की सुरक्षा करनी है, कैसे करेंगे? जो कोई अगर जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? पशु को खतरा है, ये पक्का मालूम है। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने? गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात। सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य प्राणी है, जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब माननीय महादेव के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आए सब। देखिए, हमें 75 साल करीब करीब इंतजार करना पड़ा है। पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता, तो फर्क कैसे करेंगे सर? चीता ला के ऊपर जो ना छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं, ऐसा गोल होता है। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आए। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, ये नाम है एशियाटिक लायन के, मालूम है ना? हैं, तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही थी। मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत है, अगर ऐसे ही हुआ तो 500 साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार चाहे 2007 वहाँ की जो बेटियाँ थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती होगी, लायन के साथ रह सकती होगी, आप लायन को बचा सकते हो, तो तैयार होंगे। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो स्थानीय बेटियाँ थी उनको फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा। आप चीता मित्र हैं लेकिन सभी वन्य पशु के मित्र, हर एक की देखभाल करेंगे, पक्का। अच्छा, आप में से मोबाइल फोन किसके खरीदे? देखिए, आप एक अपना एक हॉबी डेवलप कर सकते, करेंगे? क्योंकि जब आपको जंगल में रहना है, आपको काम भी करना है, अच्छी फोटोग्राफी सीखना, और कभी कभी आपको पशु की ऐसी हरकत की फोटो आपके हाथ आ लग जाएगी जो आपके जीवन की बहुत बड़ी अनमोल विरासत है। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया फोटो जो निकालेंगे वो मुझे भेज देंगे, चीते के ही निकालना जरूर नहीं, वन्य वन्य पशु तो बहुत है, करेंगे। अच्छा, सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली, आप जैसे ये काम शुरू करोगे सबसे मुसीबत पहली क्या? सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे मेरे जैसे, वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़े जगह पे जाएगा, वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है, लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, ये टीवी कैमरा वाले आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे, नहीं नहीं ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे, ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो, मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत दो। मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं, जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने दें। दुनिया में जिन लोगों को जो हमको पर्यावरण के भाषण देते हैं ना, उनको ये समझ नहीं होगा कि हमारा प्यार क्या है प्रकृति के प्रति, पशु के प्रति, हम किस प्रकार के जीवन जीने वाले हैं। शायद दुनिया में ऐसी घटना नहीं घटी है कि 130 करोड़ देशवासी आज चीता आने पर इस बात को अभी देखा तो नहीं, उन्होंने नाच रहे हैं, लोग खुशियों से मना रहे हैं, हर एक को लग रहा है कि जैसे
हमारे परिवार में कोई नया बहुत सालों के बाद संतान पैदा हुआ ऐसा लग रहा है तुम्हें। ये भारत की प्रकृति प्रेम, भारत का जो हृदय क्षेत्र है अपना मध्य प्रदेश है, सिरमौर है मध्य प्रदेश का शिवपुर जिला विशेष है, सुख शांति और समृद्धि का कृषि सरसों का क्षेत्र है, चंबल की नहरों से पोषित शिवपुर जिला विशेष है। वाह वाह वाह, चलिए धन्यवाद भैया, चलिए ये चीता उसको संभालिए, लोगों को भी संभालिए।